हम इस वक्त अरुणाचल की राजधानी ईटानगर में हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये स्टूडेंट्स का आक्रोश है। ये जितनी भीड़ आपको दिखाई दे रही है, ये अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में पेपर लीकेज का जो मामला सामने आया था, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही थी, लेकिन अभी इनकी जो 13 पॉइंट डिमांड है चीफ मिनिस्टर के द्वारा अगर पूरी नहीं की गई तो ये स्टूडेंट्स जो यहाँ पे जो बंद कॉल किया गया कैपिटल ईटानगर में, इसको बिल्कुल भी विड्रॉ नहीं करेंगे। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे हजारों की तादाद में आप पीछे देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, और इन्हीं की 13 पॉइंट्स की डिमांड है जिनको ये सभी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि पूरा किया जाए। और अंदर 10 से ज़्यादा मेंबर्स अंदर गए हैं, और चीफ मिनिस्टर के इनविटेशन के बाद अब वो सॉल्यूशन आएगा कि नहीं, यही इंतज़ार हो रहा है इसके, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ये जो स्कैम है इसका सॉल्यूशन आएगा कि नहीं। युवराज मेहता फॉर इंडिया टुडे फ्रॉम ईटानगर। अब तो पर्दा भी है। ये आप देख सकते हैं, ये ईटानगर, ये सिविल सेक्रेटरीट के सामने सारे स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर्स यहाँ पे जो अपनी डिमांड्स 13 पॉइंट डिमांड्स है उसके डिसीजन की अभी यहाँ वेट कर रहे हैं। हाँ हाँ, ये तो कर रहा। हेलो हेलो, हाँ हेलो हेलो, हाँ हेलो, युवराज, वो युवराज, युवराज 1987 मेरा, युवराज 1987। हेलो, 1987 1987 1987। हाँ सिंगल सिंगल युवराज, हाँ वाई यू वी आर एच। यहाँ से तो उल्टा क्लियर। धीरे धीरे
गुरु गुरु गिरे करे उधर इधर क्या इधर है ना इमास को देखेगा ओके इमास दिया है। मैंने डे वन से ही कहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऑटोनोमस एक बॉडी है, उसको सिस्टम को ओवरहॉलिंग करना ज़रूरी है टॉप टू बॉटम। इसीलिए जितने भी हमारा फॉर्मर जो मेंबर्स और चेयरमैन उन लोग ने रिज़ाइन कर दिया था, इसके बाद सरकारी कर्मचारी जो वहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन में जो लोग थे, क्योंकि ऑटोनोमस है वो पब्लिक सर्विस कमीशन का अंदर में आता है, उसके लिए अलग से कैबिनेट बैठा के उसको भी हम लोग ने सर्विसेज को भी मर्जर सिविल सेक्रेटरीट के साथ में मर्जर भी कर दिया। तो हम चाहते हैं कि जो अभी जो वैक्स इशू में जो पूरे ये पब्लिक सर्विस कमीशन का वजह से जो फंसा हुआ है उसको क्लिनजिंग करना ज़रूरत है। तो इसलिए नया कमीशन का भी एडवर्टीजमेंट किया, उसको नया कमीशन को भी गठन करके स्वेयरिंग इन का जो बात जब चल रहा था, तो मैं सोचा कि पब्लिक का इंटरेस्ट के लिए ये अच्छा बात है, क्योंकि जब तक पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन नहीं होगा उन लोग फिर आगे का जो रणनीति है, जैसे मैंने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसमें सरकार का कुछ कंट्रोल नहीं होता है, तो जो लेकुना है वहाँ पे ऑलरेडी लास्ट टाइम जिसका कारण से एसओपी स्ट्रिंजेंट नहीं होने का कारण से जो लीकेज हुआ, तो नया कमीशन आने का बाद वो लोग एसओपी बनाएंगे और जितने भी जो एग्ज़ाम्स कैंसिल या डिफर करके रखा हुआ है उसको फर्दर फिर वो लोग एडवर्टीजमेंट करके नोटिफिकेशन करके एडवर्टीजमेंट करेंगे। मगर आई थिंक तभी भी कुछ कम्युनिकेशन गैप के वजह से जो अभी अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी, तो उनका भी कुछ 13 पॉइंट्स का जो मांग है डिसीजन ले लिया कि बंद कॉल करना है बोल के, उसका वजह से आज सुबह से पूरा ईटानगर में ऑलमोस्ट लॉलेसनेस टाइप हो गया, सिचुएशन अगली टर्न हो रहा है। तो अभी सुनने में आया कि कुछ पुलिस फोर्स CRPF और यूथ्स लोगों को भी काफ़ी इंजुरी हुआ है, तो उसके लिए सर सरकार अभी क्या कर रहा है, और कल जब आप बात करने जा रहे हैं तो ये सब का ऊपर में भी डिस्कशन होगा क्या? देखिए, सबसे पहले तो बंद कॉल जो है, मैं हमेशा कहते आया हूँ कि बंद कॉल जो है किसी भी चीज़ का वो सोल्यूशन नहीं है। तो हम लोग अक्रॉस द टेबल बैठ के ही जो भी प्रॉब्लम है उसको बातचीत करके हम लोगों को सोल्व करना होगा। और आज अनफॉर्चुनेटली जितने भी जो लोग आज चाहे पुलिस का हो या चाहे प्रोटेस्टर का हो, जो लोग इंजर्ड हुआ है, हमारा पूरा उसमें काफ़ी दुख है हम भी, और सरकार की ओर से अगर ट्रीटमेंट में कुछ भी अगर मदद पड़ने से भी वो भी हम लोग खर्चा उठाने के लिए भी तैयार है। थैंक यू सर। सर ऐसा कहा जा रहा है कि जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं उन लोगों का ये कहना है कि 6 महीने से उन लोग इसी मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब जब जाके वायलेंस स्टार्ट हुआ तभी जाके क्यों सरकार कोई कदम उठाती है? इसमें देखिए, 13 पॉइंट्स में ऑलरेडी मैंने जो कहा है कि बामांग फिलिक्स जो होम मिनिस्टर का अंतर्गत में कमिटी बना के वो लोग टाइम टू टाइम काफ़ी इसमें डेलीब्रेशंस भी हुआ है। आई थिंक कहीं ना कहीं जो डेलीब्रेशंस जो हुआ है, आई थिंक वो मासेस को कम्युनिकेट या तो कमिटी की ओर से या तो सरकार की ओर से शायद कम्युनिकेट ठीक ढंग से हो नहीं पाया है। तो अभी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारा एलिमेंट्स इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग मैसेजेस वगैरह भी सर्कुलेट हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि अभी मैं अपना लेवल में पूरे 13 पॉइंट्स को बैठ कर मैं अपना लेवल में हम उसको दोबारा फिर डिस्कस करेंगे। सर आज का एक्चुअली इश्यूज जो है था ये आज को शपथ ग्रहण का विषय में था और 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड का था जो बच्चों लोग और एस्पायरेंट्स लोग, और कल क्या हुआ था कुछ प्रोटेस्ट हुआ का वॉइस को सुनते हुए उसको भी हमने कैंसिल कर दिया है। अभी मैं चाहता हूँ क्योंकि जो भी इश्यूज है हम लोग मिल के बात करना चाहिए, हम लोग सड़क में उतार के तोड़फोड़ करके आपस में आर्म पर्सनल्स के साथ में लड़ाई झगड़ाई करके इससे कुछ सोल्यूशन नहीं होगा। तो मेरा आप सभी से अपील है, खास करके ईटानगर एरिया में जितने भी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सरकार का हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर अपना पब्लिक का साथी है। हम लोग जितने भी जो पॉइंट्स 13 पॉइंट्स जो आप लोग ने दिया है,
पहले भी आपका अपना होम मिनिस्टर के साथ में डिस्कस हो चुका है, दोबारा भी मैं अपना लेवल में उसको डिस्कशन करने के लिए मैं पूरा तैयार हूँ। ये सरकार सबका सरकार है, इट्स ए वेरी इंक्लूसिव सरकार, सबका सुनने वाला सरकार है, सबको लेके चलने वाला सरकार है। तो मैं आज ईटानगर में जो लोग प्रोटेस्ट के तौर पे यहाँ पे जो निकला है, आप सभी से मैं अनुरोध करेंगे, कैबिनेट ने ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है कि जो मेंबर्स और चेयरमैन का स्वेयरिंग इन है उसको हम लोग ने कॉल ऑफ कर दिया है, और कल यानी कि 18 फरवरी मैं इनवाइट करेंगे अपना जो स्टीयरिंग कमेटी पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर्स को और सभी स्टेक होल्डर्स जो आना चाहते हैं वहाँ से, अपना सिविल सेक्रेटरीट में आप लोग 11 बजे कल 11 बजे आइए, पूरे जितने भी जो इश्यूज है हम लोग बैठ के फिर दोबारा से भी हम लोग डिस्कस करेंगे ज़रूर। तो मैं आप सभी इस मीडिया आज दोस्तों जितने भी जो यहाँ आए हैं आप सभी के माध्यम से अपील करता हूँ कि अभी जो भी जो प्रोटेस्ट कर रहा है आप लोग